अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देने जा रहे हैं एक डिस ट्रैक का रिएक्शन, जो कि नाम है बहन के, गाया हुआ है तला यूनुस ने बिना टाइम जाया कि यस कमांडो। Strictly for the culture. Real hip hop. Hustle hip hop. Nustle hip hop. Hey. Khela love so say, call it magic trick. Hit a lick. I'm promoting your bitch. Flow so sick, roller split, street soldier bitch. You ain't shit, I ain't rich, made a music rich. Co-signs deta unhe jo deserve kare. Jitne loves inke kaano mein usse zyada to mere ek verse mein. Vaise koi fark nahi padega meri saath pe, bhula apni aukaat nahi, maazi apna hai yaad bhai. Mere samne hua urdu rap pe chat bhai. Main aaka don, tu hai kaun, tu koi god nahi. Real talk, urdu gangster rap pioneer. Someone said I'm shared, tum saale aaina. Sneak this, tera career, tera aaina. Kar le muayana, mere jaisa ya thaina. Muh pe uthaye par mere saaye se bachwaina. Mujhe mera culture sikhane aaya hai China. Honda Karachi ka har jagah apna naam chale. Aag di kagaz ko na jaane kyu teri. Koda kagaz bhi mujh pe ungli utha raha. Tu hai kaun, wohi jo mazhab pe kama raha. Fact bro, I don't know how to act bro. Tu drama topic jo kar sake cash, wo phir bhi nahi kar sakta. Such a fast, na jaane kyu karte ye best bro. You think you're the best bro? Kisi aur ke card se gaano pe laga ke add and give views. Ye organic ye sunte hain MEV aur bane MNM. Jaane no panic, chup pe rahe niche bed bro. Tick tick, I'm going for the head bro. Chick chick, tujhe yaad hai wo hash bro. Jo bhi ke likha verse furor ke liye tere ghar se hi kiya tha cash bro. Teri ass ho, ye industry ki khwahish thi maine puri kar di. Tange lagi chhat se chuta red bro. Main hu backbone, ye cutthroat tere butt hole mein ghusenge baar. Tere saare gaane jaise rakhi rone wale khat ho. Ye jealousy teri kar jaye se tu to na jaye se sunte hi saaye ko. Isne kiya mujhe block jaise main beta high zone rehta. Main high bot. Mere gaano mein aaj bhi sachai. Dutte, let it bounce. Baba. फर्श पे और तू फर्श पे, स्टोरी पे नर बने डीएम में ना मर दिए, स्क्रीनशॉट डाल दुनिया भी देखे हम में फर्क है, तू तो कमजोर्फ है, एक्सपीरियंस ज्यादा तभी देता ज्यादा दर्द पे, अरसे से छाप रहा ये फिर भी इसके पूरे करियर पे भारी, मेरा वो एक वर्ष है रफ्तार तेरी शिट, तू निकला ही नहीं घर से, हाथों पे टैटू करे बॉडी शेमिंग और मजहब को लेके दर्द दे, और अजात इसके शर्ट से वो काली कलोटी जा बोलिए अपने घर पे, बच्ची ने छोड़ा तो ये पीने लगा चर से, अटेंशन के लिए मेंशंस जानी अंदर से ये डर के, लड़कियों को डिस किया तू वाकई ना मर्द है, फेंड के माँ मेरी पहली फैन थी, कहानी में फर्क है, यू डोंट नो माय वर्थ है, तेरा भाई भी मेरा फैन, मैं तो बचता तेरे घर पे, जब ये रैप करे शक्ल पे आता लड़के को कब्ज है, शीशा पीने वाले की कैसे बनेगी छत से, टांगे छत से इस वर्ड प्ले से बच पे, बोला था रोना नहीं पर ये रो पड़ा तो खा रहा हूँ अब इस पे तरस में, बाप आखिर बाप होता समझाना, जा तुझे 24 घंटे और दिए, तो उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है, उसके बाद भी तू मेरे पहन के पहन के देख ले ड्रेस नहीं पहन के, फैक्ट तेरे बाप यहाँ लाए रैप को ट्रेंड पे, मादर शो यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ गया है, चैनके के लिए मैंने अभी अभी मेरे सर में आमद हुई है,
और शेर कुछ ऐसा है कि मैंने यंगस्टर्स से पंगा लेके क्या पाया, मैंने यंगस्टर्स से पंगा लेके क्या पाया, माता चोलूं जो इसमें आया। मतलब यार यही चीज़ जो इस गाने के अंदर है, मैंने यही चीज़ बोली थी जब कौम तबाह है गाना आया था और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने महविश हयात को रोस्ट किया था, एक रैंडम रोस्ट जिसे कहते हैं, रोस्ट वीडियो बनती है, और मैंने सिर्फ आखिर में ये बोल दिया था कि यार जो भी है जैसी भी है इस मुल्क की औरत है ना, किसी की माँ बहन, मैं आइटम सॉन्ग नहीं सुनता, मैं नहीं सुनता, और ये हकीकत है। ये मुझे नंबर टांगने का शौक नहीं है या मैं चैन के की वजह से नहीं कह रहा, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा चैन के वाला ओपिनियन नहीं है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं सुनता, लेकिन इस मुल्क की औरत है बहन। और मुझे इतना लोगों ने बोला बुरा भला और ये वगैरह, मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी और आज भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, मैं उसको पब्लिक करूँगा अब एक दो दिन में शायद। लोगों ने बहुत कुछ बोला, सिर्फ एक, मतलब मैंने पूरी वीडियो रोज़ की बनाई, वो नहीं किसी ने गौर की, जो आखिर में मैंने सिर्फ मेरे ख्याल से 10 सेकंड का मैंने वो लाइन बोला था कि यार जो भी है मुल्क की औरत है, अब किसी की माँ बेटी है, जो भी है उसकी पर्सनल ज़िंदगी है, हमारे साथ पर्सनल उसने कुछ बिगाड़ा नहीं हुआ, लेकिन सब लोगों ने उस पर जोर दिया। और मुझे पता था, मैं प्राइवेट की और मुझे पता था एक दिन आएगा कि कोई आएगा। इतनी खुशी मुझे हमेशा इस चीज़ की ना खुशी रही है कि एटलीस्ट कोई तो है हमारे मुल्क के अंदर जो रैप को संभाले नहीं होया बल्कि एक पिलर बन चुके हैं। अब आप इनसे नहीं पंगा ले सकते, और जिस तरह तलहा यूनुस ने आउटस्टैंडिंग, यार इसमें इंजॉयमेंट तो थी, डिस्ट्रैक्ट था ही था, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी जो कड़वे सच हैं, और फाइनली बोल दिए, निगल दिए, सुकून हो गया। मुझे पर्सनली ये गाना एंटरटेनमेंट लिहाज से तो अच्छा लगा ही लगा है, लेकिन शुक्र है कोई फैक्ट्स पे भी बात करता है, मैनिपुलेशन पे ही नहीं फंसा हुआ। अब सीधी बात करेंगे, डाला सो गए, अब निकलेगा का मुझे नहीं पता। और चैन के कभी भी इस डिस का जवाब नहीं देगा, ये मुझे लगता है, मतलब मुझे क्या सबको ही लगता होगा। उसकी वजूहत ये है, या तो वो वन डे चैलेंज खोल के बैठ जाएगा, जी मैंने कहा था कि मैं अब गालियां नहीं दूंगा, वो गालियां तो क्यों नहीं देगा ये भी तो बोलना, क्योंकि तूने जब कौम तबाह है हमशक्ल और असली हिप हॉप बनाया था तो तुम थोड़े अब मजहबी टाइप से हो गए थे, फिर तुमने तुम्हें क्योंकि लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया था क्योंकि तुम गालियाँ देते थे, तो तुमने कहा था कि मैं गालियाँ नहीं दूंगा, तुमने नहीं कहा था, वो असल में अवाम ने तुम्हें बोला था कि तुम गालियाँ देते हो, तो तुमने इसलिए वन डे चैनल रखा था। फैक्ट्स को यार झूठ की तरफ, मतलब ये जो मैनिपुलेशन भाई आप कर रहे हो ना, ये गलत चीज़ है। तो सर बोल दे, तो जितना मर्जी अपने आप को साफ दिखा दे यार, ये फैक्ट्स नहीं है, ठीक है। और या तो तुमने फिर वही करना है कि 30 मिनट की एक वीडियो बना लेनी है इतनी लंबी, जी आज हम फलाना गाना तलहा यूनुस का ब्रेक डाउन करेंगे, इसकी लाइन का ये मतलब है, और अब हम ये लाइन पे चलेंगे, रियल असली है कोई चीज़, ऑथेंटिक कोई चीज़ होनी चाहिए जानी, इस तरह नहीं चलता। लोग समझते हैं कि मैं चैन के को हेट करता हूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं। तुम लोग शायद अभी के आए हो चैन के को सुन रहे हो, मैं बहुत देर का चैन के को सुनो, मुझे चैन के से नफरत नहीं है, मैं चैन के को सुनता हूँ और पहले गाने मुझे उसके अच्छे लगते हैं। मैं भी कल परसों उसका गाना सुना था दो चेहरे, और ये मैंने बताया भी था आप लोगों को कि मैं उसका गाना सुन रहा हूँ। बात यह है कि सच जिसका हक है उसका हक है, आप किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं घुस सकते। ये जो घर बनाए जाते हैं जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये एक पर्सनल लाइफ है, इसकी ये चार दीवारी है, इसके अंदर कोई बंदा घुस नहीं सकता, कोई भी बंदा घुस नहीं सकता। और किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे आप एक दफ़ा, चलो आपने उंगल कर दी, दूसरी दफ़ा कर दी, आप बार बार करेंगे तो अगला कब तक बर्दाश्त करेगा, ऐसे नहीं चलता यार, ऐसे नहीं चलता। बहरहाल यार मुझे डिस्ट्रैक्ट पसंद आया, और मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे तो मुझे पता है कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं निकालेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो डिस्ट्रैक्ट निकाले, क्योंकि इससे ना चाहते हुए भी, मुझे पता है ये एक पर्सनल बीफ है और सीरियस बीफ है, लेकिन ना चाहते हुए भी ना पाकिस्तान हिप हॉप में एक स्पार्क बजेगा, और स्पार्क बजेगा तो हिप हॉप आपका एकदम ना, जिसे कहते हैं ना, चलना शुरू हो जाएगा,
बकायदा, मतलब ये एमी वे और रफ्तार का जो डिस्ट्रैक शुरू हुआ था उसके बाद इंडिया के अंदर हिप हॉप अंडरग्राउंड सीन ये पैदा होने शुरू हो गया था। इतफाक़न ही उधर गली बॉय आ गई और एकदम ही फिर, मतलब दो साल पहले कोई जानता भी नहीं था अंडरग्राउंड रैपर को, अब इंटरनेशनली इंडिया में जानते होंगे, इंटरनेशनली कोई नहीं जानता था। तो अगर चन के जवाब देगा तो मज़ा आएगा, स्पार्क बजेगा। और हमें देखो भाई, ऑडियंस की ना प्लेलिस्ट अच्छी होगी और कुछ होना हो। अब मैं कम से कम 3 दिन 4 दिन तो ये गाना बना तेना था बस सुन बैठा हूँ, तो यही बात है। और डिस्ट्रैक बहुत हार्ड था, देखते हैं कि अब चन के क्या करता है। बाकी मेरा कोई हेट नहीं है चन के से, मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि मैं यंगस्टर्स की साइड पर हूँ। नहीं, हक जिधर हक है मैं उस तरफ। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों को किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए यस कमांडो।